संजू बाबा की सेहत को लेकर तमाम लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं। लोग ये जानना चाहते हैं क्या 61 वर्षीय अभिनेता संजय दत्त को वाकई में कैंसर के चौथे स्टेज में 2 केमोथेरेपी के बावजूद राहत नहीं मिल पा रही है इस बीमारी से। क्या 1 महीने के अंदर 2-2 केमोथेरेपी के बावजूद तीसरा केमोथेरेपी संजय दत्त के लिए कराना मजबूरी था, या फिर तीसरे केमोथेरेपी के लिए संजय दत्त जो दुबई से वापस मुंबई लौटे वो इसलिए लौटे हैं क्योंकि उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी खबरों के बारे में हम बात करेंगे हमारे शो में। तो दर्शकों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है एक बार फिर से। बॉलीवुड टाउन की तमाम लेटेस्ट खबरें हम आपके बीच लेकर आए हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़ी आज के इस खास प्रोग्राम में स्वागत करेंगे आपका। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज आपको बताने वाली हूँ फिल्म इंडस्ट्री के संजू बाबा की बिगड़ी हुई स्थिति और दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही स्थिति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल संजय दत्त दुबई से मुंबई तो लौटे, दुबई वो गए थे सिर्फ अपने बच्चों से मिलने क्योंकि उन्हें अपने इलाज को और तेजी गति से आगे बढ़ाना था। कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई के इस हॉस्पिटल में संजय दत्त का इलाज बीते अगस्त के महीने से चल रहा है। 8 जून की तारीख को अनइजीनेस, चेस्ट में पेन और सांस लेने में तकलीफ की वजह से संजय दत्त को आईसीयू में भर्ती किया गया था, लीलावती हॉस्पिटल के आईसीयू में, जहां उनका कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट में संजय दत्त नेगेटिव पाए गए, उन्हें राहत मिली लेकिन चेस्ट में बढ़ते फ्लूइड के कारण फ्लूइड सैंपल टेस्ट लिया गया और उसमें मालूम चला कि संजय दत्त को कोरोना नहीं लेकिन वो बढ़ते फ्लूइड इसलिए तकलीफ दे रहे हैं और लेफ्ट लंग इसलिए उनका ब्लॉक हो गया क्योंकि फ्लूइड 1.5 लीटर निकालने का फैसला डॉक्टर ने लिया। कैंसर सेल्स पाए गए और उन्हें लंग कैंसर है तब उन्हें मालूम हुआ। इस कारण से तेजी से फ्लूइड बढ़ता ही उनकी बॉडी में जा रहा है। एक बार तो 1.5 लीटर फ्लूइड निकाला गया लेकिन नतीजा सच में बहुत तकलीफ दे रहा। तो अब हालत कैसी है और ये ट्रीटमेंट किस तरह आगे बढ़ेगी, किस तरह से दर्द उन्हें और झेलना है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए चलिए हमारे इस शो में जानते हैं पूरी रिपोर्ट के जरिए संजय दत्त को लेकर अब तक तमाम जो खबरें आई हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की यहाँ हम हमारी इस खास रिपोर्ट में बात कर रहे हैं। वो संजू बाबा जिनकी सेहत को लेकर चिंता तमाम उनके चाहने वालों को इसलिए भी सता रही है क्योंकि संजय दत्त के लिए 2 केमोथेरेपी ऑलरेडी आसान नहीं था। काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं केमोथेरेपी लेने पर, जिससे न सिर्फ सिर के बाल बल्कि आईब्रो, आँखों की पलक और हर हिस्से के बाल गिरने लगते हैं, हेयर फॉल होता है। और ये सच है, खुद जलील पारकर ने कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी दी थी जो कि संजय दत्त का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। संजय दत्त के 2 केमोथेरेपी के बाद जो है स्थिति और बिगड़ गई है, मुश्किल है इलाज लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं संजय दत्त। संजय दत्त की एक और नई तस्वीर वायरल हुई है, वो अब आँखों पर चश्मा डाले बैठे नजर आए हैं। जी हाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आई है, चेहरा झूला हुआ नज़र आ रहा है, स्किन लूज पड़ी हुई नज़र आई है, देखकर लोग रो पड़े हैं। बिल्कुल हमेशा फिट एंड फाइन संजय दत्त नज़र आते हैं लेकिन तस्वीर में टेंशन साफ संजय दत्त के चेहरे से दिखा नजर आई है। दरअसल संजय दत्त का वो जो अंदाज़ है हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दिया था, नर्स के साथ खड़े थे संजय दत्त, खुश रहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चेहरे पर खुशी बिल्कुल दिखाई नहीं दी। दूसरे केमोथेरेपी के बाद तीसरे केमोथेरेपी की लेने से पहले तीसरे केमोथेरेपी का डेट निकल चुका है तो अब जल्द से जल्द वो इसके लिए आगे बढ़ेंगे। हॉस्पिटलाइज्ड संजय दत्त की ट्रीटमेंट जो है कैंसर की बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब कर रही है लेकिन संजय दत्त इस पर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। संजय दत्त ने काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ किया है, इस वजह से संजय दत्त बहुत ज़्यादा परेशान है। कैंसर कितना बुरा होता है, लोग इस पर कह रहे हैं कि कितना ख़राब हाल संजय दत्त का कैंसर से हुआ है। संजय दत्त का पूरा फेस ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ लौटे हैं। उनका ट्रीटमेंट अब यही मुंबई में चल रहा है, शुरू हो चुका है उनका दोबारा से ट्रीटमेंट। और संजय दत्त जो कि न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अगर
तीसरे केमोथेरेपी के बाद उनकी स्थिति सुधरती नहीं है तो संजय दत्त न्यूयॉर्क जाके आगे का ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे संजय दत्त के बारे में एक और खबर ये आई है कि लंग कैंसर में केमोथेरेपी चौथे स्टेज की बात की जाए तो कंफर्म ये खबर आई है एक बड़े बॉलीवुड के जानकार की तरफ से ही कि लंग कैंसर होने और स्टेज फोर आखिरी कैंसर का स्टेज होता है। ट्रीटमेंट केमोथेरेपी इसलिए वो ले रहे हैं क्योंकि स्टेज फोर में सर्जरी नहीं की जा सकती है और इसलिए यहाँ पर उन्हें केमोथेरेपी कराना पड़ रहा है। डॉक्टर्स लोग जो हैं सिचुएशंस को देखकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्टेज फोर कैंसर में बीमारी से बढ़ने वाली स्थिति की तो इससे क्या होता है कि स्थिति जो है 10% डायग्नोज होने के बाद कम हो जाती है और भी ज़्यादा सर्वाइकल स्टेटस। इसलिए केमो जो है लंग कैंसर के चौथे स्टेज पर आखिरी उपाय होता है। इसके अलावा रेडिएशन पैलिएशन सिम्टम्स पे ही यूज़ किए जाते हैं। केमोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर कंसिस्ट किया जाता है कॉम्बिनेशन होता है ड्रग का। लेकिन ये नहीं मालूम है अभी डॉक्टर को कि संजय की स्थिति जो देख रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें अभी कितने और केमोथेरेपी लेने पड़ेंगे। तीसरे केमोथेरेपी के बावजूद उन्हें केमोथेरेपी फिर लेना पड़ सकता है अगर सुधार ना आए। तो जाना आपने और ये भी आपने सुना कि डॉक्टर जलील पारकर जो कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट खुद दिया है कि संजू बाबा की सेहत में सुधार आसान नहीं होगा। संजू बाबा को अपनी सेहत में सुधार के लिए लंबा जंग, जी हाँ बहुत लंबे जंग से जूझना है। जी हाँ कैंसर, लंग कैंसर की आखिरी स्टेज में इस बीमारी को हराना बहुत ज्यादा रेयर केसेस में पाया गया है। जी हाँ हमारे भारत के हिंदुस्तान में, जी हाँ भारत में ही, अपने हिंदुस्तान में ही हर साल तकरीबन 55,000 लोग लंग कैंसर से पीड़ित होते हैं जिसमें से 5,000 लोग ही इस बीमारी से बच पाते हैं। 50,000 लोग लंग कैंसर से जिंदगी हार देते हैं और संजय इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि लंग कैंसर की अगर आप आखिरी स्टेज में इलाज शुरू करते हैं तो 5 साल ज्यादा से ज्यादा 5 years लाइफ सस्टेंस होता है, इससे ज्यादा जिंदगी जीना नामुमकिन हो जाता है। अब तक साइंस ने जो डेवलपमेंट किए हैं इसकी जांच को लेकर यही डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे में केमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी के जरिए इस बीमारी में कैंसर को खत्म करने के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है ये ट्रीटमेंट बहुत टफ होती है। इसके कारण बॉडी के सारे बाल गिरने लगते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा साल 2018 में सोनाली बेंद्रे के साथ ऐसा ही हुआ था जब वो कैंसर से पीड़ित थे, जब उन्हें कैंसर हुआ। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे अभिनेत्री आयुष्मान खुराना की पत्नी भी इसी बीमारी से जुड़ चुकी है और लंग कैंसर से लीजा रे ने भी जीत हासिल की, मनीषा कोराला ने जीत हासिल की। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, जो एग्जाम्पल क्रिएट कर रही है अभिनेत्रियां, संजय दत्त के लिए प्रेरणा बनी है ये अभिनेत्रियां जिन्होंने बीमारी को हराया है। खैर उम्मीद तो यही की जा रही है कि संजय दत्त भी इस बीमारी को हराने में कामयाब हो और तीसरा केमोथेरेपी का असर सकारात्मक हो जिसके जरिए संजय दत्त को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो और वो इस बीमारी में आगे इलाज के दौरान हिम्मत ना हारे, वो टूटे ना। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिल्म इंडस्ट्री की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें Next9 न्यूज और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए साथ में संजय दत्त अपने फेवरेट अभिनेता के लिए विशेष भेजने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। लेंगे इजाजत, देखते रहें Next9 न्यूज। नमस्कार।